नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह, एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर आईपीटेक स्कूल से आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज हमारे एक ट्रेनीज मिस्टर अनीस जी के जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम पे हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले हम प्रॉब्लम को हम समझते हैं, फिर सॉल्यूशन को बताएंगे। तो उनके पास जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है कि उनके पास बिटवीन टू डेट्स है, डेट एंड टाइम। जैसे कोई प्रोडक्ट 23 तारीख को 12:50 में शुरू हुआ और 24 तारीख को 13:53 पे ख़त्म हुआ, ऐसी डेट है, एंड डेट एंड स्टार्ट डेट है। डेट एक से ज़्यादा दिन का डेट है, बीच में वीकेंड सैटरडे संडे भी है, इनका डिफरेंस नंबर ऑफ आवर्स में चाहिए, बट सैटरडे एंड संडे को इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं। जी हाँ, सैटरडे संडे को इंक्लूड नहीं करते। देखिए देखिए, 20 से 24 है, तो इनमें आवर्स जो कैलकुलेट हो उस आपका 21 और 22 जो है वो कैलकुलेट नहीं चाहिए, वो 20 होना चाहिए, 21 23 होना चाहिए और 24 होना चाहिए। सैटरडे संडे इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो कैसे करें और उसको कैसे वेरीफाई करें, आज की हम इस वीडियो में हम आपको यही डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके पास एक्सेल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम क्वेश्चन हो तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या स्काइप कर सकते हैं, और आप चाहते हैं कि मेरे साथ लाइव क्लासेस लेना, क्योंकि आप यूट्यूब पे तो मेरे रिकॉर्डिंग्स ही देखते हैं, करीब 3,000 से ऊपर रिकॉर्डिंग हमने यूट्यूब पे डाल रखा है, तो आप मुझे डायरेक्ट जो है क्लास ले सकते हैं हमारी। तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती है, तो ऑनलाइन क्लासेस में कैसे होती है इस चीज को जानने के लिए आप iptindia.com पे जाके डेमो क्लास को रजिस्टर्ड कर सकते हैं, या फिर हमारे रिकॉर्डेड पेन ड्राइव परचेज कर सकते हैं। इन सब के लिए आप मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाए, या कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल करें। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे कि अगर इसमें सैटरडे संडे की भी प्रॉब्लम नहीं होती तो हम सिंपल लेटेस्ट डेट डेट एंड टाइम माइनस ओल्डेस्ट डेट एंड टाइम करता, और इसके ऊपर हम टाइम का एक फॉर्मेट रख देते हैं। टाइम फॉर्मेट में कौन सा है, 37, 30, 55, बट सैटरडे संडे को एक्सक्लूड करना है। तो चलिए यहाँ देखते हैं। तो क्या है कि इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले लगाएंगे नेटवर्क डेज, इसमें स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, या इसके अलावा कोई होली सैटरडे संडे के अलावा भी, जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी से छुट्टियां हैं, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहां से। ये 3 दिन आया, थर्ड डे, और इसके ऊपर हम प्लस करेंगे इसकी टाइमिंग। तो कैसे बताता हूं, मोड मोड में हमने इसको सेलेक्ट किया कॉमा 1, माइनस अगेन मोड हमने इसको सेलेक्ट किया कॉमा 1, और हमने इसको इस पर फिल्टर कर दिया 76 घंटे। इसको हम देख लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं, सही कर लेते हैं कि आखिर सही है गलत है। तो 20 तारीख को इसने स्टार्ट हुआ 9:12 AM पे, तो 20 तारीख को स्टार्ट हुआ 9:12 AM पे, तो 20 तारीख को कितना घंटा काम हुआ, अगर 20 तारीख के देखें, मैनुअल चेक कर लेते हैं, तो आपका 24 माइनस यहाँ पे माइनस हमने 9:12 कर, चौबीस घंटे का शेड्यूल है ना, हम और हमारा 9:12 हमने किया है, तो 24 माइनस 9, तो ये हमारा 14 घंटे 48 जो है 20 तारीख का काम हुआ है, और हमारा 20 तारीख के बाद दिसंबर में 21 छुट्टी था, 22 छुट्टी था, 23 को पूरा काम हुआ है। तो 23 तारीख को पूरा काम हुआ है, 23 तारीख को हमारा 12 24 घंटा काम हुआ है, और 24 तारीख को
कब तक काम हुआ है? 13 काम घंटे, तो 24 घंटे, 13 13 53 2 बार, इसको 24 में से 13 53 घटा देते हैं। नहीं, ये तो 13 53 ही रहेगा ना, माफ कीजिएगा, 13 53 ही रहेगा, क्योंकि काम हुआ ना, 13 53 ही रहेगा, 13 53 यहाँ पे। अब इनको आपस में हम प्लस कर, बावन घंटे ही हो रहा है ना, 24। हम चेक कर रहे हैं 3 दिन, एक माइनस करना होता है, ठीक है? हम गलती कर दिए, क्योंकि नेटवर्क डे जब भी हम लगाते हैं तो एक माइनस करना होता है, क्योंकि पूरा दिन तो काम नहीं चला ना, इसलिए। तो अब हमारा मैनुअल वेरीफाई हो गया, तो हमें नेटवर्क डेज लगाना है, स्टार्ट डेट एंड डेट करना, एक माइनस करना है। लास्ट में हमने मोड क्यों लगाया? मोड इस लगाया कि हमें टाइम निकालना था 9 AM और 13 AM के बीच में, हमने माइनस कर दिया ताकि हमारा एग्जैक्ट टाइम से टाइम माइनस हो जाए। हमने नेटवर्क डेज में डे से डे माइनस किया, हमने टाइम से टाइम माइनस नहीं किया। तो नेटवर्क डेज क्या, मोड क्या करता है, टाइम को देता है, मतलब कि 13:31 है, 13:31 जो आपका दिख रहा है, इसमें से सिर्फ 13:31 वाला करेगा, इसमें से 9:31 करेगा, दोनों के बीच में हम माइनस करेंगे। ये रहा आपका 52 52 घंटे 41 मिनट, ये भी आपका रहा 52 घंटे 41 मिनट आपके सामने। ये फॉर्मूला है, ये तरीका है, आप जो है इसको यूज कर सकते हो। अगर समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत है तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो मुझे कॉल कीजिए, मैं दूसरे तरीके से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।